एक्सक्यूज मी, प्रिया? यस, आ जा। डैड ने फोन करके बताया था, छोटा नाम सुनकर मैंने सोचा कि लड़की भी छोटे कपड़ों वाली होगी। कोई बात नहीं, तुम्हें इस तरह साड़ी में देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। वैसे तुम्हें हमारी अग्रीमेंट के बारे में तो पता है ना? कैसी अग्रीमेंट? हमारी मैरिज अग्रीमेंट। मैरिज अग्रीमेंट? उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। घबराओ मत, सिंपल कंडीशन। देखो, हमारी शादी बाकी आम शादियों जैसी ही होगी, लेकिन हम पति पत्नी होंगे सिर्फ एक साल के लिए। बात यह है कि लाइफ में मैं किसी तरह की कमिटमेंट पसंद नहीं करता, इंक्लूडिंग मैरिज। और अगर इस एक साल में तुम पसंद आ गई और मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बितानी चाहिए, तो मैं अग्रीमेंट कंटिन्यू करूंगा। That's my condition. इतनी देर से मैं ही बकबक कर रहा हूँ, तुम भी तो कुछ कहो ना। तो आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि मैं आपको अच्छी लगी और आप एक साल के लिए मुझे अपनी रखेल बनाकर रखना चाहते हैं? रखेल? रखेल मतलब? फॉरेन में पढ़कर आए हो ना, इसीलिए रखेल का मतलब नहीं जानते। रखेल को तुम्हारी भाषा में कीप कहा जाता है। क्या मैं कोई बच्चा हूँ जो कीप और वाइफ का फर्क नहीं समझूंगा? मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं था। अरे शादी में वो काला सा धागा पहनते हैं ना, क्या कहते हैं, सूत्र, सूत्र, मंगलसूत्र भी पहनाऊंगा, पर शादी का हमारा बंधन होगा एक साल का। एक साल के लिए मुझे अपनी टेम्पररी बीवी बनाकर रखना चाहते हो? सुनो, रुको रुको, एक मिनट। तुम फालतू में टेंशन लेकर चिल्ला रही हो। मेरे डैडी ने जैसे शादी के लिए मजबूर किया, वैसा मैं नहीं करूंगा। अगर शादी नहीं करनी है तो तुम मना कर सकती हो और वापस जाकर डैडी की पीए का काम संभाल सकती हो। क्योंकि मैं आपकी कंपनी में काम करती हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी और आपके पिता की हर नाजायज मांग पूरी करूं। मुसीबत में हम अपना घर बेच सकते हैं, घर का सामान बेच सकते हैं, लेकिन कितनी भी मुसीबत आने पर हम पैसे के लिए खुद को नहीं बेच सकते। आप किसी और को ढूंढ लीजिए। इतने बड़े आदमी होकर भी जब आपने कहा कि आप अपने अंडर काम करने वाली लड़की को अपनी बहू बनाएंगे, तब मुझे आपके बड़प्पन पर बहुत फक्र हुआ था। उसी तरह आप अपने बेटे का मन बहलाने के लिए अपनी ऑफिस से एक गरीब लड़की को भेजना चाहते हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं। प्रिया, तुम मुझे और जलील मत करो। मैंने तुम्हें धोखा देने के बारे में कभी नहीं सोचा था। तो फिर ऐसा क्यों किया? आपने ये क्यों नहीं बताया कि आपका बेटा एक ऐसी शादी करना चाहता है जो एक साल के अग्रीमेंट पर टिकी हुई है? संसार में किसी भी बाप ने ऐसी मुसीबत नहीं झेली होगी। तुम्हें क्या बताऊं, वो अपनी माँ की कमी महसूस ना करे, इसलिए मैंने उसे पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया। लेकिन अपने देश में न रहने की वजह से वो अपनी संस्कृति से दूर चला गया है। उसे ये भी नहीं मालूम कि एक मामूली धागे में और मंगलसूत्र में जमीन आसमान का फर्क होता है। उसके लिए मंगलसूत्र एक धागा है, जिस धागे को जब मन करे तब पहन लो और जब मन करे उतार दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे शादी के लिए कैसे मनाऊं, सही गलत दोनों का फर्क कैसे समझाऊं। माँ भी तो नहीं है जो उसे समझाए। तभी तुम मुझे देखी। अगर तुम उसकी बीवी बन जाओ तो उसे सुधारने के लिए एक साल नहीं, बस एक मिनट काफी है। इसलिए मैंने तुम्हें एग्रीमेंट के बारे में नहीं बताया। पर आपने मुझे यूज किया, मेरी गरीबी का फायदा उठाया, अपने बेटे के लिए मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। एक साल के लिए आपके अमीर बेटे की रखेल बनने से बेहतर है कि मैं कहीं जाकर आत्महत्या कर लूं। मैं जा रही हूं सर। थैंक यू सर। दीदी नाराज मत होना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दीदी मुझे माफ कर दो। जयंती, ये क्या कर दिया तूने? पहले से इतनी प्रॉब्लम चल रही है पता है ना, और तूने कल मुही कुलक्ष्मी, ये तूने क्या किया? मैंने इसे छोड़ो, क्या कर रही हो? तुम लोगों को पता चल जाएगा। इसने ऐसी गलती की है कि समाज में छुपी नहीं सकती। ये सब तेरी वजह से हुआ है। खुद तो ससुराल से आ गई और छोटी बहन को भी बिगाड़ दिया, कब पीछे छोड़ेगी? और ये शादी हुई नहीं और उससे पहले ही गर्भवती हो गई है। मर क्यों नहीं जाती, तब जाके मुझे शांति मिलेगी। दीदी, दीदी दरवाजा खोलो। शंकर। हाँ? दीदी, दीदी दरवाजा खोलो, दीदी दरवाजा खोलो, दीदी। अरे अरे हटो, मैं दरवाजा तोड़ती हूँ। लो मैं तोड़ता हूँ। दीदी, Thank you.
मोहन, अच्छा वो मैरिज हॉल जो तुमने बुक किया था ना, उसे जाकर कैंसिल कर दो। आओ बेटा, कोई खास बात है? ये रेजिग्नेशन लेटर देने आई हूँ। मैं अपनी गलती की माफी तो मांग चुका हूँ ना। विश्वनाथ जी की बहू अगर अपने ही ऑफिस में नौकरी करेगी तो लोग आपको बेवकूफ और गधा कहेंगे ना। इसीलिए रिजाइन कर रही हूँ। यू मीन शादी के लिए तैयार हो तुम? जी। याहू, आई एम सॉरी, रिलैक्स, जरा रुको, एक सेकंड। मोहन, रहने दे यार, तूने बुकिंग कैंसिल तो नहीं की ना? सुन, कंफर्म कर दे, डबल कंफर्म, फुल पेमेंट दे दे, शादी पक्की। अरे बाप रे, जीजू आ गए, चलो। आप जरा बाहर जाएंगे, मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है। अच्छी लग रही हो। कुछ खास बात नहीं, बस वो अग्रीमेंट पेपर पर साइन चाहिए था। अगर सब सही है तो बस साइन कर दो। हे भगवान, दुनिया में मैं ऐसी पहली लड़की होंगी जो शादी करने से पहले अपने डिवोर्स पेपर पर साइन कर रही है। ऐसा ईश्वर किसी दुश्मन के साथ ही न करे। डैड, ये कैसा कॉस्ट्यूम दिया है मुझे पहनने के लिए? जितना ऊपर रख रहा हूं उतना ही नीचे सरकता जा रहा है। क्या एडजस्ट कर लूं? डैड, आप और क्या क्या एडजस्टमेंट करवाएंगे? डैड, बेडरूम में किसी ने मिठाई की दुकान खोल दी है। क्या कह रहे हैं, ये सब मेरे लिए? डैड, इतनी मिठाई खाऊंगा तो सुबह तक डायबिटीज से मर जाऊंगा। आपको फर्क नहीं पड़ता डैड? ये क्या है, ड्रिंक्स है? ना ना ना, दूध। पर क्यों? पीने के लिए। ये अच्छा है, डैड ने खाने के लिए मिठाई भेजी है, तुम पीने के लिए दूध लेकर आई हो। लगता है आज मुझे खिला पिला कर ही मार दोगे। ए, धोती मत खींचना, ये खुल जाती है। खींचूंगी नहीं, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। ओह, तुमने धोती को छुआ तो मुझे टेंशन हो गया, क्योंकि मैंने अंदर शॉर्ट्स भी नहीं पहनी है। अगर आशीर्वाद चाहिए तो अपने माँ बाप से लो, मेरे डैड से लो, चाहिए तो भगवान से ले लो। जमीन को छूकर हाथ गंदे हो जाएंगे। उठो उठो, उठ जा। पर आज से आप ही मेरे भगवान हैं। कैसी फिल्मी बातें कर रही हो तुम। आशीर्वाद दीजिए कि हम 100 साल तक एक साथ रहें। 100 साल के लिए? मेरे लिए एक ही साल भारी है, 100 साल तक जियो। उठ जाओ। हाँ ओके ओके। देखो, इस तरह गिर पड़ के मेरे पैर मत छूना, खासकर जब मैंने लुंगी पहनी हो। इसे गिरना पड़ना नहीं कहते, ये तो हमारा रिवाज है। अच्छा ऐसा है, ये कंपलसरी होता है? पर मुझे तो किसी ने नहीं बताया। थोड़ा पीछे हटना, पीछे हटना। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? तुम्हारा गिरना पड़ना अगर रिवाज है तो मेरा गिरना पड़ना भी रिवाज ही हुआ ना। आप खड़े हो जाइए प्लीज। पहले मुझे आशीर्वाद दो, मैं भी 100 साल जीना चाहता हूँ। सुनिए, खड़े हो जाइए। अच्छा, तुमने अपने लिए 100 साल का आशीर्वाद मांग लिया और मैं मांग रहा हूँ तो मुकर रही हो? कैसी सेल्फिश लड़की। पहले आप खड़े हो जाइए प्लीज। ये एक तरफा रूल्स नहीं चलेंगे। क्या जी, ऐसा नहीं होता। अब मैं आपकी पत्नी बन चुकी हूँ, इसीलिए आपके पैर छूना मेरा धर्म बनता है। समझ में नहीं आता हमारे देश में ऐसा क्यों है। यहाँ पति को भगवान और बीवी को नौकरानी बनाकर रखते हैं। मुझे ये पसंद नहीं। तुम जैसे जीना चाहती हो जियो, और मैं अपने तरीके से जीऊंगा। हाय पीटर, हाउ आर यू? जस्ट अ मिनट, अमेरिका से एक दोस्त का फोन है, तुम आराम से सो जाओ। ओके सर, कॉफी। सर नहीं, पापा कहो मुझे। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कॉफी? सॉरी, कॉफी पीने की आदत नहीं है मुझे। तो क्या दूध दूं? मैं तो यूजुअली शैंपेन लेता हूँ। शैंपेन एक स्मॉल पैक बनाकर लाओगी? सॉरी। प्रिया, ये देना जरा। वाह, इसका टेस्ट भी काफी अच्छा है। तो फिर आज से कॉफी पिया करूंगा। ये क्या रामू काका, क्या हो गया आपको? क्या हुआ? ब्रेकफास्ट इतना टेस्टी लग रहा है आज। अरे विजय, ब्रेकफास्ट रामू ने नहीं, बहू ने बनाया है। खाना बनाना भी जानती हो? मैंने तो सोचा ही नहीं था। प्रिया, मैंने इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट पहले कभी नहीं खाया। बहुत बढ़िया है। अगर ऐसे ही खाता रहा तो मैं भी डैड जैसा बन जाऊंगा। टेडी बेयर। ये सिर्फ खाना बनाने में ही नहीं, बिहेवियर में, सिंसियरिटी में, हर काम में ये लड़की नंबर वन है। इसीलिए तो मैंने इसे अपने बहू के लिए सेलेक्ट किया है। तब तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने हमारी शादी करवा के प्रिया का बढ़िया टैलेंट वेस्ट कर दिया। प्रिया अगर अमेरिका गई होती ना डैड, तो किसी 5-स्टार होटल में हेड शेफ तो बन ही गई होती। आपने तो प्रिया का फ्यूचर स्पॉइल कर दिया। तभी से बात कर। क्या कर रहे हैं आप? ऐसा मैंने क्या कह दिया? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर हम 3-स्टार होटल खोल दें तो प्रिया हेड शेफ की नौकरी जरूर संभाल सकती है। बिजनेस भी अच्छा होगा। क्यों प्रिया, मैं सही कह रहा हूँ ना? बताओ डैडी को।